छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। सरकार 10 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी। बजट पर चर्चा 12 और 13 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाकर रखी है। रमन सरकार 10 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी और बजट पर चर्चा 12 और 13 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ये रमन सिंह सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 27 फरवरी को विनियोग विधेयक का चर्चा और पारण और 26 तारीख तक जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चाएं होंगी और अलग अलग विभाग के मंत्रियों के हिसाब से और उनके अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद उसका पारण किया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार लोक लुभावन बजट पेश कर सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। विधानसभा के 15वें सत्र का अंतिम बजट सत्र 5 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय एवं अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। विपक्षी दल कांग्रेस की युवा इकाई 5 फरवरी से राज्य की सभी 90 विधानसभा में पकौड़ा स्टॉल लगाकर प्रदर्शन करेगी। विरोध में पार्टी बजट के सूटकेस को भी प्रतीकात्मक तौर पर चलाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि देश की मोदी सरकार का चुनावी बजट युवा विरोधी और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। 22 लाख से अधिक पंजीकृत युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के तेवर गर्म हैं और बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पीयूष, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बजट से, जो आखिरी बजट होगा रमन सरकार का? देखिए, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं लोगों की। मध्यम वर्ग आप लगा के बैठा है कि जो मोदी सरकार ने बजट दिया है उसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, तो राज्य सरकार अगर कुछ बजट में कुछ लाभ दे देती है तो बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग भी देख रहा है, क्योंकि जो रोलिंग मिल है यहाँ की और जो स्पंज आयरन की जो फैक्ट्रीज है वो बंद पड़ी है बिजली के कारण, क्योंकि बिजली की दरें ज्यादा हुई, तो बहुत सारी आस ये है कि उद्योगों के बढ़ावा के लिए रमन सरकार कुछ बजट में कुछ फेर कर सकती है, क्योंकि ये अंतिम बजट है और चुनाव आने वाला है, तो हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन बजट ये दे दें। तो ये बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इसमें कि कितने किस प्रकार से बजट आता है और लोगों की अपेक्षाएं कितनी पूरी होती है हमारे लिए। बिल्कुल, बने रहे पीयूष आप हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कई अहम घोषणाएं की। सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास पर प्रदेश भर से आए सरपंचों से मुलाकात के दौरान राज्य शासन की छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना यानी गाई के लिए ग्राम पंचायतों की 14वें वित्त आयोग की राशि नहीं देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राशि 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को वापस कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरपंचों से ये भी कहा कि इस गाई योजना के तहत मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए पंचायतों को मिलने वाली 14वें वित्त आयोग की राशि लिए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सरपंचों से मुलाकात कर पंचायतों को मिलने वाली 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग स्काई योजना के लिए नहीं करने का अनुरोध किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य शासन का लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, इसके लिए स्काई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 56 लाख परिवारों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और इस राशि को 100% स्टेट बजट से ही क्रियान्वयन किया जाए, और मैंने सरपंचों से सामने इस बात का जिक्र किया कि जो आदेश सरकार ने पंचायत विभाग के माध्यम से जारी किया था कोटिन फाइनेंस कमीशन की राशि लेने का, उसको हम निरस्त करेंगे और सारी राशि जो पंचायतों से दी गई थी इसका योजना के तहत उनको आज कल आदेश जारी होगा और उनको कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर उनके खातों में वापस हम जमा कर दें।
फिर उस सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की तो मुलाकात में क्या निकल के सामने आया? देखिए इसमें बहुत विरोध था हिमांशु जी, क्योंकि जब से ये 14 रुपए का पैसा स्काई योजना के तहत ये ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब से सरपंचों के बीच एक विरोध से पर आ गया। दूसरा इनको एक बैकअप कांग्रेस भी दे रही थी कि 14 रुपए का पैसा सिर्फ पंचायतों के लिए ही होना चाहिए, ना कि मोबाइल टावर के लिए। तो ये शुरू से बहुत ज्यादा विरोध था। इसमें एक जो पंचायती राज के जो सरपंच इनका जो संघ है इनका एक प्रतिनिधिमंडल मोदी जी से भी मिला था जाके दिल्ली में। उसके बाद बहुत गहमा गहमी हो गई थी, चुनाव का सीजन है तो रमन सरकार को भी ये लग रहा था कि अगर पंचायतों का 14 रुपए का पैसा ले लिया जाता है तो हमारी सीट कम हो सकती है। तो इन सब के मद्देनजर खुदरा विधायकों और प्रतिनिधियों की भी ये मांग थी कि जो 14 रुपए का पैसा है इन्हें वापस दिया जाए पंचायतों को। तो ये बैठकों जो बैठकें होती है उसमें आमंत्रित किया गया था सरपंचों को, उनके प्रतिनिधियों को। रमन सिंह ने डायरेक्ट उनको कहा है कि भाई आपका पैसा नहीं लिया जाएगा इस टाइम में, और आपकी जो जितनी पूंजी ली गई है जो रोकी गई है आपकी डिस्बर्समेंट पावर को उसको वापस कर दिया जाएगा 15 दिनों में। तो ये अहम फैसला एक तरीके से पंचायतों के हित में देखा जा रहा है कि 14 वित्त का जो वहाँ के सर्वांगीण विकास में जो पंचायतें यूज करती हैं पैसा वो वापस उनको मिल रहा है। हिमांशु जी शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।